हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल साइंटिफिकली। आज हम बात करेंगे व्हाइट और ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस तो आपको पता ही होगा, अभी रिसेंटली चल रहा है, बट अभी एक दो दिन पहले व्हाइट फंगस भी डिटेक्ट हुआ है पटना में, बिहार के कैपिटल में। 4 लोगों को डिटेक्ट हुआ है व्हाइट फंगस। तो पहले हम ब्लैक फंगस की बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम व्हाइट फंगस की बात करेंगे। ब्लैक फंगस का जो नेम है म्यूकोमाइकोसिस, ये बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा है, जिसमें जिनका इम्यूनिटी कम है या डायबिटिक पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, उन लोग में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो एक रिलेट करते हैं हम, जैसे कि फंगस, हमने सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि फंगस कैसे ग्रो होता है, मोल्ड कैसा ग्रो होता है। तो हमें एक्सपेरिमेंट दिया जाता था कि ब्रेड में हमें ग्रो करना है फंगस, तो हम क्या करते थे उसके लिए कि वो कैसे किस जगह पे ग्रो होता था, वो एक चीज़ सोचिए। पहले हम लोग क्या करते थे, यूजुअली उसको लेते थे, पैकेट के अंदर रख देते थे जहाँ पे मॉइस्ट चीज़ें रहती थी, मॉइस्ट हो जाता था वो, या थोड़ा पानी डाल देते थे उसमें, तब हमारा फंगस ग्रो होता था। या तो हम लोग उसमें क्या करते थे, थोड़ा शक्कर डाल देते थे, थोड़ा मीठा चीज़ कुछ डाल देते थे, उसकी वजह से भी ग्रो होता था। तो यही चीज़ है कि अभी हमारा जो कोविड के पेशेंट्स है या उनका इम्यूनिटी वीक हो रहा है, उसकी वजह से वो स्प्रेड हो रहा है। और ये कोई कोई जो हमारे पार्ट्स है, जैसे कि हमारा नोज़ हो गया, माउथ हो गया, वो हमारा क्या रहता है, वेट रहता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे ग्रो हो रहा है ये। और तो यही चीज़ें हैं कि थोड़ा हम इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मोल्ड में हम डायबिटिक पेशेंट है वो, तो ऑब्वियसली बात है शुगर जो है ज़्यादा है उसकी बॉडी में, तो उसमें उससे भी ग्रो और ऐसा मतलब को रिलेट कर सकते हो उसको। ऐसा नहीं है कि वही चीज़ें हैं, बट एक बेसिक सी चीज़ है जो हमने सेवन स्टैंडर्ड पढ़ा था, फंगस कैसा ग्रो होता है नॉर्मली हम अगर उसको करेंगे, और यहाँ पे हमारा बॉडी में भी कैसा हो रहा है। हम डायबिटिक पेशेंट है उनमें ज़्यादा देखा जा रहा है ये ब्लैक फंगस। तो यही सब चीज़ें हैं रुक के वो को रिलेट कर सकते हैं। तो हमें करना है क्या, सिम्टम्स क्या होते हैं पहले ये बता देते हैं। वाइट फंगस का अगर हमको हो रहा है तो उसका सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स ये है कि हमारा फेस में हमारा स्वेलिंग हो जाएगा, हेडेक होने लगेगा हमारा, और प्रॉपरली हमें दिखेगा नहीं, यही सब चीज़ें हैं उसका। और इसका देखना क्या है, हमें ध्यान का रखना है कि हमें सैनिटाइज करते रहना है अपने पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली, और मॉइस्ट नहीं रहना है थोड़ा ज़्यादा। और अगर हम स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसका ओवर यूज़ नहीं करें, अगर किसी को कोविड हो रहा है, कोविड पेशेंट में ज़्यादा देखा जा रहा है ये चीज़ें। तो क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी वीक होता है पहली बात, तो उसमें ज़्यादा वो इफ़ेक्ट कर रहा है, ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो इसकी वजह से डेथ रेट भी कोविड पेशेंट अगर ज़्यादा है, अगर उनको हमारा फंगस, वाइट फंगस हो रहा है, तो डेथ हो रहा है उनका। तो ये सब चीज़ें, तो हमें सैनिटाइज प्रॉपरली करना है अपने बॉडी को अच्छे से, और प्रॉपरली अगर हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसका ओवर यूज़ नहीं करना है, जो हमें दवाई दी गई है बस उतना ही, ज़्यादा खाना भी मेडिसिन अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, और फर्स्ट चीज़ है, प्राइमरी चीज़ तो ये हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमें प्रॉपरली मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारे बॉडी में फिर कुछ बचेगा ही नहीं फाइट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इम्यूनिटी जो है हमारी प्रॉपर बिल्डअप करके रखनी है। ब्लैक फंगस हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं वाइट फंगस के बारे में। तो ये वाइट फंगस ज़्यादा डेंजरस है हमारा ब्लैक फंगस से। जो वाइट फंगस का नेम है वो है एस्परग्लोसिस। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है ब्लैक फंगस से। ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये हमारा प्राइवेट पार्ट्स पे हो रहा है, और जो हमारी बॉडी है फेस पे, नॉर्मली ब्लैक फंगस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये भी हो रहा है। इसमें सिम्टम्स क्या हैं वो देख लेते हैं, सिम्टम्स इसके क्या है वो बताते हैं। टीथ पे जो टंग होता है हमारा वो पूरा वाइट हो जाता है, और कफ है, फीवर है, डायरिया है, नॉर्मली जो कोविड का सिम्टम्स रहता है वही है इसमें भी। तो करना क्या है हमें ज़्यादा इसे फाइट करने के लिए, प्रॉपरली हमें पहले तो हमें सैनिटाइज करना है अपने बॉडी को प्रॉपरली, हमें नहाना धोना रोज है, मॉइस्ट नहीं रहना इतना, और
इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है प्रॉपरली, काढ़ा हो गया, ये सब चीज़ें पिए, नेचुरली जितनी भी चीज़ें हैं आयुर्वेदिक चीज़ें वो खाए, ऐसा मेडिसिन लेके आप अपना इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगे तो फिर उसका कुछ यूज़ नहीं है। जितने भी आयुर्वेदिक नेचुरली चीज़ है, हल्दी वाला दूध पीजिए, काढ़ा पीजिए, ये सब चीज़ें करिए, और हमारे प्रॉपरली मास्क लगा के रखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैंडेमिक चल रहा है और ये भी अभी धीरे धीरे वाइट और फंगस और ब्लैक फंगस भी आ रहा है फेम में, तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो अपना जो ब्लड शुगर है प्रॉपर मेंटेन करके रखिए उसको, और इतना घबराने का ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अगर हम प्रॉपरली उसको अच्छे से अपनी बॉडी का हेल्थ का ध्यान रखें, अपने सराउंडिंग्स पूरा क्लीन करके रखें, और लोगों को बताएं कि ये सब चीज़ें क्या हैं और इनसे क्या हो सकता है और इनको कैसे डील करना है, सब चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ में। तो यही चीज़ें हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस स्प्रेड हो रहा है, तो टेक केयर करें अपनी फैमिली का और खुद का भी। तो यही था वीडियो में, अभी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।